हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेम कंपाइलो में। मेरा नाम है अशोक और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नीड फॉर स्पीड पेबैक। बट सीडी तो है ही नहीं, अरे ये रही सीडी, लो देखो। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्स करेंगे इसे और मैंने ये परचेस किया अमेजोन से। इसकी प्राइस है समथिंग 4000 के। आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह परचेज कर सकते हैं। ये अभी रिलीज ही हुई है, अभी इंडिया में ज़्यादा इसकी अनबॉक्सिंग नहीं हुई है। शायद ये मेरा स्टार्टिंग वीडियो हो, या हो सके कि मैंने तो यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा। तो ये हमारी अनबॉक्सिंग है इंडिया में और ये भी हिंदी में। तो दोस्तों मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ और इससे कर लेते हैं अनरैप। तो दोस्तों इसके ऊपर लिख रखा है 12+, तो मतलब कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे से नहीं खेल सकते। यहाँ पर लिखा गया नीड फॉर स्पीड पेबैक और यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स की डिजाइनिंग दिखाई गई है। बैक साइड में अगर हम थोड़ा सा देखें तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इसके एक्सपायर डेट, नेट क्वालिटी और ये सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर नेम ऑफ द कॉमोडिटी, नेम नीड फॉर स्पीड पेबैक PS4 प्रो लिखा हुआ है, EAN कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये अलग ही टाइप की गेम है दोस्तों। और एक और बात है कि ये सीडी अगर आप अमेजोन से परचेस करते हो और अगर ये ख़राब निकल जाती है या कुछ भी चलती नहीं है तो आप इसे रिटर्न कर सकते हो। ये एक ऐसी सीडी है, ठीक है। तो दोस्तों इसके MRP यहाँ पर 4299 है, मतलब कि 4300 दे रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको ये नॉर्मल 3900 के समथिंग ये मिल जाएगी। आप कोई भी लोकल स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से परचेस कर सकते हैं। तो हम इसे अनरैप कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों हमने कर लिया इसे अनरैप और हम अभी इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों हमें मिलती है यहाँ पर एक CD और यहाँ पर मिलता है कुछ मैनुअल वर्क। तो हम देख लेते हैं पहले मैनुअल के साथ साथ हमें क्या मिलता है। तो हम रखते थे यहाँ पे इस CD को साइड में। तो हमें यहाँ पर दो पेपर्स बोलते हैं जिसके ऊपर एक तो आया है प्रोमो कोड जिसको हम यूज़ करके 20% ऑफ करवा सकते हैं, और इसी के साथ में कुछ पेपर वर्क, कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह कुछ इसकी बताई गई है, रिटर्न ऑफ द वारंटी वगैरह कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो मैं एक बार आपको जूम करके इसको बिल्कुल क्लियरिटी धीरे धीरे बता देता हूँ, आप इसे पढ़ सकते हो। आप इस वीडियो को कहीं पर भी यूज़ करके आप इसे पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है तो इसके ऊपर कुछ कस्टमर केयर नंबर भी दिया गया है, तो आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपनी मेन सीडी के ऊपर, ठीक है। तो हम इसे रख देते हैं साइड में। और दोस्तों ये है हमारी मेन सीडी। इसके ऊपर भी सेम वही लिख रखा है जो मेन डब्बे पे था, या डॉल्बी का डेस्टे का ग्राफिक कंपनी का यहाँ पर नेम है और यहाँ पर लिखा गया है 12+ E-Games, ये कंपनी से ये सीडी रिलीज होती है। तो चलिए हम इसे एक बार शुरू कर लेते हैं और देखते हैं हमारी सीडी को कि एक कैसा परफॉर्म करता है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है, इसकी ग्राफिक्स की जो क्वालिटी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और ये कितना स्मूथ चलती है PS4 प्रो में। तो चलते हैं, हम प्ले करते हैं और अपनी सीडी को लगाते हैं अपने PS4 प्रो में और देखते हैं इसकी क्वालिटी। तो चलिए अपने PS4 प्रो में। ओके, तो दोस्तों हमने लगा दी अपनी सीडी अपने PS4 प्रो में और देखते हैं हम इसे प्ले करके। और नो, ये क्या है दोस्तों, हमारा जो डाटा है वो कॉपी हो रहा है PS4 प्रो के हार्ड डिस्क में, तो इसमें लगेंगे कुछ टाइम। मैंने थोड़ा बहुत तो कर लिया है, वो 17-18 GB का पूरा डाटा इसमें जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट करके हम आते हैं अपनी वापस स्क्रीन पर। 50-55 सेकंड बाकी और हम बहुत ही जल्दी प्ले करेंगे हमारे नीड फॉर स्पीड पेबैक को। तो वेट कीजिए बस कुछ ही सेकंड और। ओके, हो जा भाई, हो जा। ओके, तो फिर ये हो रहा है अपडेट और हम का नहीं करेंगे इसे अपडेट, तो कर देते हैं विदाउट अपडेट प्ले। तो ये हो गई है दोस्तों हमारी गेम स्टार्ट। वाओ दोस्तों, पहले की जो फोटो आई है, जो इसकी ग्राफिक्स की क्वालिटी दिखा रहा है, अल्टीमेट दोस्तों, अल्टीमेट। मैं आपको क्या बताऊं, आपको इस वीडियो में महसूस हो रहा होगा कि नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता। वाओ, तो मैं अपने TV की स्पीड थोड़ी आवाज़ कर देता हूँ ज़्यादा, जिससे आपको तेज सुना ही। ओके, ये हो गया कंटिन्यू। ओके, हम करते हैं इसे एक्सेप्ट। ओके, तो हम करते हैं इसे इजी, क्या पता हार्ड और मीडियम कैसी होगी, क्योंकि ये हम प्ले कर रहे हैं दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसमें मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी। इसको जब हम प्ले करेंगे तो इसकी
अंदर कैसे फंक्शंस होंगे, कैसे लेवल्स होंगे, तो एक बार हम प्ले करने के बाद हम जो इसके बाकी लाइव करेंगे तब हम देखेंगे कि ये कैसा और कितना टाइम लगाता है। तो अभी हो रहा है ये लोडिंग और इसमें लेगा कुछ टाइम। तो दोस्तों फाइनली हो गया हमारा गेम स्टार्ट। ओके हो गया हमारा गेम स्टार्ट। वाओ दोस्तों यहाँ के ग्राफिक्स की क्वालिटी अल्टीमेट दिख रही है, आपको क्या बताऊँ। जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो 4K में हो रही है, तो आई होप आपको इसमें इसकी क्वालिटी पता लग जाएगा। ओके तो हमें मिल गया हमारा कंट्रोल हाथ है। वाह वाह ये लो। तो दोस्तों इसकी स्पीड कमाल की है। वाह अभी मुझसे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और मुझे नहीं पता इसके बारे में कि दिखा दिए। तो दोस्तों वाओ अल्टीमेट। आई होप आपको जो इसकी क्वालिटी है वो दिख रही होगी। मैस फैन पढ़ने तो देते भाई, आपका नाम क्या है? हे गब्बर। ये आ गई हमारी सेकेंड कार कंट्रोल में। ओके गलत हो गया काम। यो ओ तो दोस्तों मैंने इस गेम को गेम के बारे में जितना देखा है, हम ये 4 मेंबर होंगे, इसमें से किसी का भी हमें कंट्रोल दे देंगे, हमारे पीछे पुलिस पड़ेगी जो भी है ये आप देख लें, इसका भी हमें कंट्रोल देंगे। BMW दोस्तों अल्टीमेट, जो यहाँ की नेचुरलिटी है, जो यहाँ की रियलिस्टिक दिख रहा है दोस्तों, सच में एक नंबर क्वालिटी दिख रही है मुझे। ओ तो दोस्तों मज़ा आ रहा है एकदम, बट ये मुझे लग रहा है कार थोड़ी ज़्यादा ही स्लिप हो रही है। दोस्तों हमें इस गेम में काशित यह है कि हम इसे कहीं पर भी भगा सकते हैं। ओके तो हम पहुंच गए हैं हमारे हड्डे पर। हट जाओ दोस्तों भून दूंगा तुम्हें। आखिर हम कोई बंदूक का गेम तो खेल नहीं रहे हैं। ओके भाइयों तो दोस्तों ये है हमारी एंट्री। अब ये कौन आ गया बे? तो मुझे थोड़ा ना अंधेरा सा दिख रहा है दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। हे ये राज चौधरी, हाँ ये क्या है राज चौधरी, ऐसा दिखा मुझे तो कि कुछ और नहीं, कुछ और ही होगा। तो अब आगा है भाई, तेरे बालों की कटिंग कहाँ से कराई रे, मुझे भी बता दो, मुझे भी करना है ऐसा कुछ। तो दोस्तों एक बार मैं इसको बंद लाइट रूम में खेल प्ले कर रहा हूँ, तो एक बार मैं इसको लाइटिंग रूम में प्ले करके देखूँगा, लेकिन ये गेम प्ले इसकी ड्राइविंग के बाद। ओके तो लेट्स प्ले, चलते हैं, धूम मचाते हैं, धूम उड़ाते हैं, जो भी है देखते हैं। आ गया कंट्रोल हमारे हाथ में। तो मुझे कहां पर छोड़ के जा रहे हो साथियों, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है।
क्या ये क्या बच गया भाई रे। ओहो ओहो मुझे लग गया इसके लिमिट से ज्यादा ही घूम गई भाई। ये क्या हो रहा है यार। यार इसका कंट्रोल क्यों नहीं समझ में आ रहा मुझे। ओके तो देखते हैं हम आगे जाके इसका कंट्रोल। कोई बात नहीं बे हट जाओ। तो दोस्तों सॉरी उसके लिए मेरे मोबाइल में 10 मिनट की 4K रिकॉर्डिंग होती है वो बंद हो गई थी। कोई बात नहीं हम आगे देख लेंगे। मुझे लगा मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है लेकिन कब ऑफ हो गई मुझे खुद को ही पता नहीं चला। मुझे 120 से ऊपर उड़ाना है अपनी गाड़ी को। हट जाओ। अरे भाई साइड दे दो यार थोड़ी सी। फिर ये हो क्या रहा है भाई। मुझे ऐसे लग रहा है मैं उल्टा जा रहा हूँ क्या भाई। अरे भाइयों किधर चलाना है। ओ ये क्या बात हुई ऐसे थोड़ी मिशन फेल्ड हो गया। फिर से ट्राई करेंगे। एक वीडियो एक और बार ट्राई होना चाहिए। अब तो मैं उठा दूंगा इसको। वैसे दोस्तों मुझे इसका कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा क्या पता। मुझे लग रहा है कि गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ही लैग कर रही है थोड़ी ज़्यादा ही स्लिप हो रही है PS4 Pro में क्योंकि मुझे इतना अच्छा कंट्रोल लग नहीं रहा है जितना लगना चाहिए। बट क्या होगा यार 17 GB की गेम है अभी तो। गेम आई हुई है 5 दिन में हुई और 2 GB का अपडेट। कहाँ से करे अपडेट MBO तब करे ना अपडेट। अपडेट करो। अरे भाई तू तेरा क्या है तू भग ना भग भग भग। लिमिट से ज़्यादा घुमा दिया तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे एक और बार सही। अब की ओर में हैंड ब्रेक लगाना छोड़ दिया भाई। ये क्या हुआ इधर क्या है। तो दोस्तों मुझे लगता है आज की गेम बस यहीं तक। बाकी फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी कीजिए बस सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए जो भी करना है वो कीजिए। ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे हम पार्ट 2 में। तब तक है गुड बाय।